अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड सिटी। आज की इस वीडियो में हम फ्लटर की पहली एप्लीकेशन बनाएंगे। इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए हम उसी प्रोजेक्ट का यूज़ करेंगे जो कि मैंने आपको क्रिएट प्रोजेक्ट वाली वीडियो में बना के दिखाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को लाजमी जा के देखें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी मेन डॉट डार्ट की फ़ाइल पर, और इस फाइल में अभी जो भी कोड है इस पूरे कोड को आप सेलेक्ट करें और रिमूव कर दें। अब इस कोड को रिमूव करने के बाद पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली जो फ्लटर है वो हमारे पास काफ़ी बहुत सारे उन विजेट्स के साथ शिप हुआ है जो कि मटेरियल डिज़ाइन को सपोर्ट करते हैं। मटेरियल डिज़ाइन बेसिकली एक डिज़ाइन सिस्टम है जो कि गूगल ने क्रिएट किया है। और तो वो विजेट्स कौन कौन से हैं जो कि मटेरियल डिज़ाइन को सपोर्ट करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर। तो यहाँ पर हैं वो सारे विजेट्स हमारे पास, जैसे कि आप देख सकते हैं ऐप बार, बॉटम नेविगेशन बार, ड्रॉअर, स्कैफोल्ड, मटेरियल ऐप, टैब बार, विजेट्स ऐप, बटन बार, ये सब वो विजेट्स हैं जो कि मटेरियल डिज़ाइन गाइडलाइन के तहत बनाए गए हैं, डेवलप किए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनकी यहाँ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में लिखा गया है कि ये वो विजेट्स हैं जो कि इम्प्लीमेंट किए गए हैं मटेरियल डिज़ाइन गाइडलाइंस के तहत। तो इन विजेट्स को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी उस मटेरियल की क्लास को इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी इंपोर्ट की स्टेटमेंट लिखेंगे। तो उसके लिए इंपोर्ट पैकेज कॉलन फ्लटर स्लैश मटेरियल डॉट डार्ट। तो अब मैंने अपनी उस मटेरियल वाली क्लास को अपनी इस मेन क्लास में इंपोर्ट कर लिया है। तो अब मैं उन मटेरियल विजेट्स जो हैं उनको मैं इस अपनी मेन क्लास में यूज़ कर सकता हूँ। अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें बनानी है अपनी एक क्लास। तो क्लास बनाने के लिए सिंपल हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा क्लास का कीवर्ड। क्लास के कीवर्ड के बाद हम यहाँ पे देंगे अपनी एप्लीकेशन अपनी क्लास का नाम। तो वो नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे देता हूँ फर्स्ट एप्लीकेशन। अब ये हमारी क्लास की जो नेमिंग कन्वेंशन होगी, मतलब हम लोग क्लास का नाम किस तरीके से देंगे, वो कुछ यूँ है कि आप जो भी अपनी क्लास का नाम रख रहे हैं, अगर वो फ़र्ज़ करें वन वर्ड पे मुश्तमिल है, वो सिर्फ एक वर्ड पे आपकी जो क्लास है वो एक वर्ड पे मुश्तमिल है, तो उस वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। तो इसी तरीके से अगर आपकी क्लास दो वर्ड से मिलकर बनी है तो उन दो वर्ड्स का, जैसे पहले वर्ड का पहला लेटर और दूसरे वर्ड का पहला लेटर जो है वो हमारे पास कैपिटल होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अपनी क्लास का नाम लिखा है फर्स्ट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मेरे पास ये दो वर्ड्स हैं, एक फर्स्ट है और एक एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट का मेरे पास एफ कैपिटल है और एप्लीकेशन का ए कैपिटल है। तो हमेशा जब भी हम क्लास बना रहे होते हैं तो उसकी नेमिंग कन्वेंशन हम लोग इस तरीके से रखते हैं ताकि हमें आसानी से पता चल जाए कि ये एक क्लास है, इसमें कहीं हम लोग कोई हाइफन या अंडरस्कोर का इस्तेमाल नहीं करते। इसके बाद जो हमारी ये क्लास है ये एक्सटेंड करेगी एक दूसरी क्लास को जो के है हमारे पास स्टेटलेस विजेट। अब ये स्टेटलेस विजेट क्या है ये मैं आपको आगे जाके जब स्टेटलेस विजेट और स्टेटफुल विजेट के बारे में बताऊंगा तो उसमें मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि ये बेसिकली क्या है। तो अभी फ़िलहाल आप इसको इसी तरीके से लिख लें, अभी आपको इस पर इतनी इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक्सटेंड करने के बाद अब देखें मेरे पास यहाँ पे ये एक एरर दे रहा है कि मिसिंग कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेटलेस विजेट डॉट बिल्ड। मतलब ये कि बेसिकली जब हम इस स्टेटलेस विजेट को एक्सटेंड करते हैं तो इसका हमें एक मेथड जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, और वो मेथड है बिल्ड का। और वो जो बिल्ड का मेथड है उसकी रिटर्न टाइप है विजेट, मतलब उस मेथड में हमें कोई ना कोई एक विजेट जो है वो रिटर्न करना होता है। तो आए उस चलें उस मेथड को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले विजेट, उसके बाद उस मेथड का नेम बिल्ड, और इसके पैरामीटर में ये हमसे लेता है बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल नेम हो गया, और ये हमने अपने उस मेथड को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया। अब हमारे पास एक आपको मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्लास बनाने के दो तरीके हैं। एक तो ये जो मैंने आपको बताया मैन्युअली इसके अंदर हमने सब कुछ स्क्रैच से लिखा, और दूसरा इसके अलावा हमारे पास एक शॉर्ट की है ये स्टेटलेस विजिट बनाने की, वो ये कि मैं इसको सिंपल यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और रिमूव करने के बाद सिंपल मैं यहाँ लिखता हूँ एस टी एल। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक कीवर्ड आ रहा है
एस टी लेस का, सिंपल मैं इस पर इंटर कर देता हूँ। तो ये मेरे पास, ये देखें, ऑटो जनरेट हो गया। ये खैर एक टेम्पलेट था जो कि एंड्रॉयड स्टूडियो ने मुझे यहाँ पे उसका ऑटो जनरेट करके दे दिया। अब सिंपल यहाँ पे मैं अपनी इस क्लास का नाम दे देता हूँ जो कि मैंने रखा था फर्स्ट एप्लीकेशन। तो ये मेरी एक स्टेटलेस क्लास बन गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बिल्ड का मेथड है उसकी रिटर्न टाइप विजिट है, तो मतलब ये कोई ना कोई विजिट जो है हमें रिटर्न यहाँ पे करना होता है। तो अभी यहाँ पे एक कंटेनर रिटर्न हो रहा है। कंटेनर बेसिकली हमारे पास एक विजिट है जो एक सिंपल एक बॉक्स बनाने के काम आता है। तो अभी आप इसको हटा दें यहाँ से। तो अब मैं जो यहाँ पे विजिट रिटर्न करवाऊंगा वो है मटेरियल ऐप का विजिट। अब मटेरियल ऐप का विजिट क्या होता है ये पहले हम इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में देख लेते हैं। तो अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि एन एप्लीकेशन दैट यूजेस मटेरियल डिज़ाइन, मतलब ये कि मटेरियल ऐप का विजिट हमारी एप्लीकेशन का रूट विजिट होता है। इस विजिट को यूज़ करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन में मटेरियल डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल अपने इस मटेरियल ऐप के विजिट को रिटर्न करवा लेता हूँ। अब ये मटेरियल ऐप का विजिट जो है हमें बहुत सी प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है। अब ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है, उन प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए सिंपल आप अपने कंट्रोल और स्पेस को दबाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो प्रोवाइड करता है। तो अभी जो हमारी हमें जो जिस प्रॉपर्टी पर काम करना है वो है हमारे पास ये होम की प्रॉपर्टी। होम की प्रॉपर्टी बेसिकली क्या करती है, ये हमारी एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट होती है कि हमारी एप्लीकेशन की पहली स्क्रीन कौन सी है, मतलब कौन सी स्क्रीन है जो सबसे पहले हमारी मोबाइल पे जो है वो शो होगी, सामने डिस्प्ले होगी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो होम का होम की जो प्रॉपर्टी है उसके आगे लिखा हुआ है विजिट। इसका मतलब ये है कि इसमें भी हमें कोई एक विजिट जो है वो यहाँ पर रिटर्न करना है, कोई भी एक विजिट यहाँ पर देना है। तो सिंपल आप ये होम को सेलेक्ट कर लें। इस होम को सेलेक्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पे देना है कोई एक विजिट। तो अभी हम यहाँ पे एक विजिट यूज़ करते हैं टेक्स्ट का, जो कि काम आता है सिंपल एक स्क्रीन पे एक टेक्स्ट शो करवाने के लिए। तो सिंपल हम इस विजिट को यूज़ करते हैं टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो फ्लटर। तो सिंपल सी ये कि हमारे पास एक एप्लीकेशन है जहाँ पर हमारे पास सामने स्क्रीन पर ये हेलो फ्लटर लिखा हुआ आ रहा होगा। अब इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए मैं आपको इस रन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे पास दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है कि हमारे पास जो एक एप्लीकेशन होती है वो बंच ऑफ क्लासेस से मिलके बनी हुई होती है। तो लेकिन जो उन मल्टीपल क्लासेस के अंदर हमारे पास जो मेन क्लास होती है वो एक ही होती है जहाँ पर हमारा मेन मेथड डिफाइन होता है। मेन मेथड क्या करता है, जब हम अपनी एप्लीकेशन रन करते हैं तो हमारा कंपाइलर जाके देखता है कि मेन मेथड कहाँ पर है और उस मेन मेथड को रन करता है। उस मेन मेथड के अंदर जो कुछ भी होगा वो हमारे पास रन हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास डार्ट में भी एक मेन मेथड होता है। तो अब उस मेन मेथड को लिख लेते हैं। वो मेन मेथड हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है, void main। अब इस मेन मेथड के अंदर फ्लटर हमें एक और मेथड प्रोवाइड करता है रन ऐप का। इस रन ऐप के मेथड के अंदर हमें एक विजिट देना है, और वो विजिट क्या है, वो हमारी ये क्लास है फर्स्ट एप्लीकेशन। ये जो हमने बेसिकली ये जो क्लास बनाई है ये हमारी एक विजिट है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन। तो ये हमारा मेन मेथड बन गया। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ डार्ट की, कि अभी आप देख सकते हैं कि जो मेरा मेन मेथड है उसके अंदर सिर्फ अभी मेरे पास सिर्फ एक ही लाइन है। जैसे कि हमारे पास जो मेथड्स बनते हैं वो मल्टीपल लाइंस के होते हैं, लेकिन कुछ मेथड्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हम लोग सिर्फ हमारी एक ही लाइन हम लोग लिखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ इस मेथड में देख सकते हैं कि मेन मेथड के अंदर हम लोग ने सिर्फ यहाँ पे एक ही लाइन लिखी हुई है। तो डार्ट हमें एक फीचर प्रोवाइड करता है सिंगल लाइन मेथड का। उसमें ये होता है कि रीडेबिलिटी के लिए, ताकि आपका जो कोड है वो ज़्यादा लंबा ना जाए, अगर आपका एक ही लाइन का मेथड है तो आप उसको एक ही लाइन में लिख लें। वो किस तरीके से लिखते हैं, सिंपल मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और इन ब्रैकेट्स को मैं हटा देता हूँ। और ब्रैकेट्स को हटाने के बाद मैं यहाँ पे ये एरो बनाता हूँ और अपने उस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास डार्ट में होते हैं सिंगल लाइन मेथड। तो अब मैं अपनी इस एप्लीकेशन को अपने इस इम्यूलेटर पे रन करता हूँ। तो अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो सिंपल एक स्क्रीन होगी जहाँ पर मेरा ये टेक्स्ट दिखा हुआ होगा हेलो फ्लटर।
तो ये आप देख सकते हैं कि अभी जो मेरी स्क्रीन है वो काफ़ी अजीब सी आ रही है, ब्लैक बैकग्राउंड है और उसके ऊपर एक रेड कलर का हेलो फ्लटर लिखा हुआ आ रहा है। तो अब इसको सही करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इस होम में से इस टेक्स्ट विजिट को हटा देंगे और यहाँ पे हम एक दूसरा विजिट यूज़ करेंगे। वो दूसरा विजिट कौन सा है, वो है हमारे पास स्कैफोल्ड का। अब ये स्कैफोल्ड का विजिट करता क्या है, ये मैं आपको पहले इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे दिखा देता हूँ। ये हमारे पास है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इम्प्लीमेंट द बेसिक मटेरियल डिज़ाइन विजुअल लेआउट स्ट्रक्चर। तो बेसिकली स्कैफोल्ड का विजिट जो है वो हमें एक लेआउट प्रोवाइड करता है, एक लेआउट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमारी एक एप्लीकेशन का। तो और बस हमारी जो एप्लीकेशन है उसका सिर्फ एक स्ट्रक्चर जो है वो हमारा ये स्कैफोल्ड का विजिट हमें प्रोवाइड करता है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल अपना स्कैफोल्ड का विजिट को यूज़ कर लेता हूँ और अब इसको यूज़ करने के बाद मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेता हूँ कि इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये हमें, ये भी हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है, बॉडी, एप बार, बैकग्राउंड कलर, ये सब। तो अभी हमारा जो काम है वो है हमारा बॉडीज़ है कि हमारी एप्लीकेशन की बॉडी में क्या नज़र आएगा। अब इस बॉडी के अंदर मैं अपना वही टेक्स्ट वाला जो विजिट था वो यूज़ कर लेता हूँ, हेलो फ्लटर। अब इसको यूज़ करने के बाद अब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ। अब मेरी एप्लीकेशन रन हो गई। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जो मेरा जो हेलो फ्लटर का जो टेक्स्ट है वो यहाँ बिल्कुल कोने पे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, मतलब अभी फिलहाल बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अब जो मेरी स्क्रीन का जो लेआउट था वो पहले से काफ़ी बेहतर हो गया। जैसे पहले मेरे पास बिल्कुल ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आ रहा था, उसके ऊपर बिल्कुल रेड कलर का अजीब सा हेलो फ्लटर लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन अब मेरे पास वो उस तरीके से नहीं आ रहा। तो अब हम इस हेलो फ्लटर को थोड़ा सेट करते हैं। अब इसको सेट करने के लिए, अब जैसे कि ये मैं चाहता हूँ कि जो मेरा हेलो फ्लटर का जो टेक्स्ट है ये मेरी स्क्रीन के बीच में आ जाए, तो इसको बीच में लाने के लिए फ्लटर हमें एक और विजिट प्रोवाइड करता है, सेंटर विजिट। सेंटर विजिट क्या करता है, ये हमारी जो भी हम इसके अंदर अब विजिट देंगे वो हमारी स्क्रीन के सेंटर में आ जाएगा। अब सेंटर विजिट को यूज़ करने के बाद इसकी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है चाइल्ड की। अब उस चाइल्ड के अंदर हम दे देंगे अपना ये टेक्स्ट, हेलो फ्लटर। और सिंपल मैं इसको हॉट रीलोड करता हूँ, तो ये देखें अब मेरे पास जो हेलो फ्लटर था वो सेंटर में आ गया। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि नॉर्मल हर एप्लीकेशन में होता है कि हमारे पास यहाँ ऊपर टॉप पे एक ऐप बार आ रहा होता है, तो फ्लटर के अंदर वो हम ऐप बार किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो उसके लिए सिंपल हमें करना क्या है, ये स्कैफोल्ड के अंदर हमें एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है स्कैफोल्ड ऐप बार की। तो हमें सिंपल ये ऐप बार की प्रॉपर्टी यहाँ पे सेलेक्ट करनी है और इसको सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास फ्लटर में एक और विजिट है ऐप बार का। तो सिंपल हम उस ऐप बार के विजिट को यूज़ कर लेता है। अब इस ऐप बार के विजिट में हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, हमारे पास आ जाता है सबसे पहले टाइटल। अब ये टाइटल भी हमारे से क्या मांगता है, एक विजिट। तो सिंपल मैं यहाँ टाइटल को सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे टेक्स्ट दे देता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट दे देता हूँ मैं फर्स्ट एप्लीकेशन। अब इस कोड को मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ। फॉर्मेट करने के लिए सिंपल राइट क्लिक करके मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है री फॉर्मेट कोड विथ डार्ट FMT, मतलब डार्ट फॉर्मेट। सिंपल मैं इसको कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास एक फॉर्मेट है, मैं इसका थोड़ा सा बेहतर हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो अब ये देखिए मेरे पास ये ऊपर इसका एप बार आ गया। तो आपने मुश्किल से यहाँ पे सिर्फ तीन लाइनों से, मतलब बेसिकली एक ही लाइन है वैसे, तो आपने इस एक लाइन से यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का एप बार क्रिएट कर लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा ये जो टेक्स्ट आ रहा है हेलो फ्लटर का, ये थोड़ा सा, मतलब इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाए और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। तो उसके लिए अब मेरे पास यहाँ टेक्स्ट के विजिट के अंदर ही मुझे एक और प्रॉपर्टी ये प्रोवाइड करता है, उस प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं कॉमा देता हूँ, और वो प्रॉपर्टी है स्टाइल की। अब ये स्टाइल की जो प्रॉपर्टी है ये मांगती है मुझसे टेक्स्ट स्टाइल। तो सिंपल मैं यहाँ पे स्टाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ टेक्स्ट स्टाइल। अब इस टेक्स्ट स्टाइल के अंदर मैं अपने इस टेक्स्ट की स्टाइलिंग कर सकता हूँ।
वो किस तरीके से, अब इस टैक्सी स्टाइल के अंदर मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं। उसके लिए मैं सिंपल कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पे मैं अपने इस टैक्स का कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से फॉन्ट वेट मतलब कि उसको मुझे बोल्ड करना है वो कर सकता हूँ, यहाँ से मैं अपने इसका साइज़ दे सकता हूँ, और इस तरीके से मेरे पास ये और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले हम इसको साइज़ दे देते हैं फॉन्ट साइज़, और फॉन्ट साइज़ मैं इसको दे देता हूँ 24। और साइज़ देने के बाद इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड भी कर लेता हूँ। बोल्ड के लिए मेरे पास था यहाँ पर फॉन्ट वेट, और फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, और इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ कोड को अपने, और अब मैं इसको रन करता हूँ। तो ये देखिए मेरा जो टेक्स्ट था वो इसका जो साइज़ है वो 24 हो चुका है और वो बोल्ड हो चुका है। इसी तरीके से मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। कलर के लिए सिंपल जो मेरे पास यहाँ पे कलर की प्रॉपर्टी थी कलर, और उसके बाद कलर्स डॉट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रेड, और सिंपल सेव करता हूँ। तो ये मेरे पास इसका जो कलर है वो रेड हो गया। तो ये थी हमारी एक फ्लटर की सिंपल सी एप्लीकेशन, जिसके अंदर हमने देखा कि हम फ्लटर में ऐप बार किस तरीके से बनाते हैं। इसके अलावा हमने सेंटर विजिट को देखा, टेक्स्ट विजिट को देखा, और इस टेक्स्ट की स्टाइलिंग किस तरीके से की जाती है हमने ये देखा। तो अब अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने ट्विटर का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने फेसबुक के पेज का यूआरएल और फेसबुक के ग्रुप का यूआरएल भी दिया हुआ है। तो आप फेसबुक के पेज को लाइक करें और ग्रुप में ऐड हों, और आपको कोई भी क्यूरी है तो आप उस ग्रुप में पोस्ट करके पूछ सकते हैं। तो इस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो इंशाल्लाह मैं अब आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।